नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूँ रफी समी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग राजनीतिक पार्टियां शुरू कर चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर से हम कह सकते हैं कि तैयारी शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में आज विस्तारक समिति की बैठक भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह जी। जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, क्या कुछ तैयारी है और क्या इस बार उम्मीद? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता अजीज है। झूठे वादे करके ये सरकार सत्ता में आई और उन वादों में से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये सरकार बनने के पहले भी वादा किए, सरकार जब में जब रहे तब भी वादा किया, और सरकार अब जा रही है तब भी सिर्फ वादा ही कर रहे हैं। जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ जो है सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। उसी की तैयारी हम सबकी चल रही है। आज हम सबका विधानसभा के विस्तारकों का प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। विधानसभा के विस्तारक यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाएंगे और वो ज़मीनी स्तर पर जो हमारी विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को वहाँ रखने का काम करेंगे। इस सरकार की नाकामियों के बारे में बताने का काम करेंगे और हमारी जो केंद्र में 10 साल की मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएँ जो रही हैं, उन सारी चीज़ों को बताने का काम करेंगे। और जो हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हों, चाहे रघुवर दास हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, जो उनके कार्यकाल में विकास के एक नए पैमाने गढ़े गए झारखंड में, जिस प्रकार से गांव, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित को, किसान, महिला को ध्यान में रखकर जो विकास कार्य किया गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो जाकर के बताने का काम करेंगे। योगेंद्र जी, लेकिन एक तरफ आपकी तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं मारा गया है मैया योजना को लेकर के, क्या कहें? देखिए, काट की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनको एक बार उनके झूठे वादों को देख चुकी है। उन्होंने ही वादा किया था कि हर साल जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उन्होंने सदन में बयान दिया है। तो ये एक बार नहीं, कई बार झूठ बोलने का काम किया। तो लगातार झूठ बोलने से जनता समझ जाती है। अब बताइए कि उनका जो फॉर्म है मैया योजना का, उस फॉर्म में ही उन्होंने लिख दिया है कि दिसंबर के बाद जो है आधार से लिंक जो अकाउंट होंगे उसी में पैसे दिए जाएंगे। मैंने उनको ही पता है कि दिसंबर के बाद उनकी सरकार नहीं आने वाली। तो ये कहीं ना कहीं योजना, और जिस प्रकार से अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है कि सर्वर डाउन है, आज के अखबारों में आया हुआ है कि जो फॉर्म भराए गए थे वो फॉर्म जो है नाले में पाए गए, महिलाएँ अपने फॉर्म को देख करके जो है वो चिल्ला रही हैं और धरने पर बैठी हैं। तो ये योजना का हश्र जो बाकी योजनाएँ इनकी रही हैं उसी योजना की तरह होगा। ये योजनाएं इनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। इन्होंने कई योजनाएं चलाई और आज तक एक भी योजना इनकी सफल नहीं रही। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जनता जानती है, इनके झूठे वादों को भी जानती है, इनके झूठे चेहरों को भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। उसमें जो विकास योजनाएँ चलाई गई थी उसके बारे में भी देखा है। और आज भी झारखंड में जिस प्रकार से 5 किलो राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को भी झारखंड की जनता देख रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की बनवाएगी। टोटलिटी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है पार्टी के? पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। चूँकि काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ अगर बार बार बोलते हैं तो जनता समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हम जनता के साथ खड़े हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से हेमंत सरकार में कई योजनाओं को केवल आवास के लिए पेश किया गया है, धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। बहरहाल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप या फिर दावे और वादों का दौर शुरू हो गया है, इस बार जनता किसे चुनती है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज विंग रांची। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं क्या? अरे, बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे, एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा।
निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।